आलू तोड़ो ना, चम्मच वाले काट कर डाल दो। और देखना ये भी आ गया केक खाने के लिए। और दोस्तों हमारी रोटी बनती हुई सुबह सुबह, दिन के बज चुके हैं 3 बजने वाले और ये आ गए हैं। तो दोस्तों फाइनली आ गए मेरे बड़ा जी और जेजी, चलो 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 मिलने चलो। कल फिर झक बना रहे सुबह सुबह, तो सबका उठ के यही हो गया क्या बनाना क्या बनाना। सासू माँ ने भी तैयारी कर दी अपनी साड़ी पहनने के, उदास है कि जेठ झूले लेके नहीं गए। क्यों उदास? बच्चे खिलाने के वो खुद खेल। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ, ये जो आज का व्लॉग आ रहा है ये व्लॉग है जिस दिन हमारा एनिवर्सरी व्लॉग आया आपके पास, मतलब एनिवर्सरी मनाया था उसी के बाद जस्ट हमने ये व्लॉग बनाया था। हमने सोचा था होम टूर बना देते हैं, लोगों को होम टूर दिखा देते हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी बार बोला कि अपना होम टूर कीजिए। काफ़ी टाइम से मैंने बोला भी था पूरी फैमिली साथ होगी तो हम होम टूर करेंगे, उसी के करके मैंने ये व्लॉग सीधा बना दिया था उसके बाद, ठीक है। लेकिन उस दिन में हमने होम टूर बनाया, नाइट में हमने काजू का बर्थडे मनाया। तो अब जब एडिट करने की बारी आई तो फिर मैंने सोचा कि उसके बाद तो 2 दिन मेरे वीडियो ही जा रहे थे एनिवर्सरी वाले, तो उसके बाद मैंने कहा यार काजू का अगर बीच में होम टूर डालेंगे तो फिर काजू का बर्थडे वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। वैसे तो पीछे चला ही गया था लेकिन और ज़्यादा पीछे जा रहा था, तो मैंने कहा ऐसा करेंगे होम टूर वाला व्लॉग बाद में ही डालेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लोग देख लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। मैं मतलब ऐसे बोल के वो कर लूँगी, थोड़ा आगे पीछे तो होने ही था। काजू और सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, 2 दिन में मेरी एनिवर्सरी भी मनाई, काजू की एनिवर्सरी भी मनाई और हमने होम टूर का व्लॉग भी कवर किया उसमें। तो फिर थोड़ा मतलब कम दिनों में हमने बहुत सारे व्लॉग बनाने थे तो इसलिए थोड़ा मतलब टाइम तो होना ही है, मतलब लंबे तो जाएंगे हम ना। बाकी आप लोग व्लॉग इन्जॉय कीजिए, आपके कहने पर मैंने होम टूर बनाया है, आज हमारा ये फैमिली व्लॉग है, आप लोग इन्जॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को, मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरे आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ उत्तराखंड देहरादून से और मेरे जन्मभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसेंड ब्लॉक बंडेलेगा, और हम देहरादून रहते हैं, शिफ्ट हो गए। और अभी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है, किचन के जस्ट बगल से काजू गूंध रही है आटा और मैंने रखा है सब्जी काट के, मतलब आज पत्ता गोभी बना रही। सुबह सुबह तो सबका उठ के यही हो गया क्या बनाना क्या बनाना क्या बनाना, बड़ी दिक्कत होती है हर टाइम खाना क्या बनाना क्या बनाना क्या बनाना, तो ये बड़ा शियप है। तो अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, थोड़ा पत्ता गोभी उसमें धो देते तो ठीक रहता है ना। उसके बाद सब्जी बनाएंगे, अभी देखते हैं। जेठ जी भी उठ गए और सासू माँ भी उठ गए, और सासू माँ तो सबसे पहले ही उठ गया, हम तो लेट उठ गए, और स्वामी जी भी उठ गए, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों बात ऐसी हुई कि अभी जो फिलहाल सब्जी चढ़ा दी है, तवा रख दिया है, आटा वाटा तैयार है बिल्कुल, बस रोटी बनाने के लिए, और सासू माँ यहाँ पे देख रहे हैं मेरी बुआरियाँ ढंग से काम करी कि नहीं करी। और दोस्तों पता क्या, रात को केक था और हमने तो पार्टी पूटी लेट की काफ़ी, 10 बज गए थे ना सब, है ना, 10 बज गए थे, तो फिर हमारे पड़ोसी सब सो गए थे, तो अभी सासू माँ आ रहे हैं केक देने के लिए, कह रहे थे केक दे देते, मैंने कहा ठीक है निकाल दे, फ्रिज में रखा था हमने ना, पिघल रहा था ये, अब बाटी माटी करके ले जाएंगे सासू। आलू तोड़ो ना, चम्मच वाली काट कर डाल दो, और वही सजने ये, और देखना ये भी आ गया केक खाने के लिए। पता नहीं भाई मोटल गा रहे, तो ये सारा रख दिया है देने के लिए, तो फूल ना थोड़ा फूला बुरा नहीं, ये फूल पे नजर जा रखी है मेरी, पता नहीं कौन खाएगा, मलाई कोफ्ता हमारी रोटी बनती हुई सुबह सुबह, सुबह सुबह हमारी रोटी बनती हुई तुम्हारी सौ 10 बजे स्कूल पेट बना, 10 बजे उठना जी, तुम क्या मतलब करना, तो 10 बजे जैसे बस तुम उठ लो, देखे बस ना समझ लो, यहां दाम हम तो 6 बजे उठे, हां वाह वाह 6 बजे उठे जा के लेने बड़ा नाश्ता। दोस्तों मेरी मां आ चुकी है, केक शेक, केक शेक बांट के आ गए मम्मी आप, चलिए
और मम्मी की तरह नंबर है तो कितना थी यहाँ पे देख सकते हो। चले कोई बात, हमारा नाश्ता तो बन गया। मैं थोड़ा बाहर धनिया लगा रहा था, साफ मानी धनिया लेके आ रही हूँ। चलो आप लोग इतने लंबे लंबे हो गए, क्या करना है इनका, जाठे से हो गए तो इन पे खाली पीले में फूल आ जाएंगे। इससे जाने तोड़ लो, साइड साइड से थोड़े और पत्ते आ जाएंगे। है कि नहीं मेरा दगड़े मेरा लाटो। दोस्तों ये रहा धनिया। दोस्तों हमारा नाश्ता नुस्ता हो चुका है तैयार। देखो सब्जी सब्जी, सासू माँ भी बैठे हैं, अभी जी जी और स्वामी जी नहीं आए। पता नहीं क्या होता है, वैसे पूरे दिन घूमते रहेंगे इधर उधर, और जैसे खाने का टाइम होगा इनकी कॉल है, इनका कई काम इन्हें याद आने लगते हैं जैसे खाना आ जाए। चलो खाना को पहले सक लें, चलो मेरी बॉडी खाना खाने के लिए। आया स्वाद कल फिर झप नजर आप पे सारी दुनिया में। मैंने झाड़ू मारा, डॉलर पोछा, काजू मारी, और साथ में मुझे डॉलर दे रहे हैं। ये डॉलर है वन, पहली बार देख रही। ले काजू तेरे में पोछा लगा रही है ना। मुझे सास माँ ने दिया झाड़ू मारने का नाम, मैं काजू हूँ। और हमारे ना पर्दा उल्टा लगा है, उठा तुम। और हमारा ना कब से ये पर्दा निकला हुआ था, और फिर आज मैंने इनको पकड़ ही लिया। मैंने कहा इससे लगा, मुझे ध्यान दिया गया, तो फिर इन्होंने एक पर्दा उल्टा लगा दिया, एक सुलटा ये वाला तो सही है, वो वाला उल्टा है थोड़ा, तो इनसे थोड़ा सुलटा करवा दिया सर। ये लगा तो रहे हैं अब निकलो ना, टाइट हो ना, लगा ला। मैंने भी लगा दिया पोछा, बैठी है यहाँ पे, तब तक अपना फोन देखिए। और ये दोनों भाई भी जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। जहाँ पड़ गए तुम, कब आना, कब आना, जहाँ जेर जी कार लेके जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का कुछ करवाना है इन्हें, और ये स्कूटी लेके जा रहे हैं वापस। स्कूटी में आएंगे, गाड़ी में ही छोड़ के आएंगे सर, तो चलो टाटा। गाड़ी को वहीं छोड़ के आएंगे, वापस आएंगे। टाटा 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 परेशान करूंगा तुम्हें। टाटा 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 अरे टाटा। चलो देखना, मैं यहाँ से परेशान कर चुकी हूँ जान से, और जेठ जी लेके जा रहे नैना को, तो फिर जा रहे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छा लगे। टाटा जेठ जी जा ही रहे हैं अभी, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, तो चलो हम अंदर चलो। उदास है कि जेठ जी ने लेके नहीं गए, क्यों उदास हैं आप, याद आ रही, कोई बात नहीं होता है कभी। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:30, और मेरे दिन के खाने की तैयारी होने लगी है। मैंने मशरूम काट के रख दिए, और ये प्याज टमाटर काट दूँ, और बीच में सासू माँ ने बोला मेरा चाय पीने का मन हो रहा, तो मैंने उनके लिए चाय रख दी है। मैं इन्हें भी फ़ोन कर रही थी, ये फ़ोन नहीं उठा रही। मैं पूछने वाली थी कब तक पहुँचेंगे, मतलब खाना बना देते उस हिसाब से ना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। फिलहाल तो थोड़ा तैयारी कर लेते हैं अपनी तरफ से, बाकी तो बने रही है हमारे साथ। आज मौसम यहाँ बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हम लोगों ने सोचा था होम टूर करेंगे, लेकिन मतलब तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और सास माँ की चाय तो दे दिया, अभी मेरी चाय है तो बस रख दिया थोड़ी ग्लास, तो बस अभी देखते हैं क्या क्या हिसाब की इच्छा पचा रही है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो सास माँ कह रही कि जरूर बनाना है कि होम टूर,
तो देखते हैं अब अभी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी काफ़ी जिद कर रहे हैं कि बनाओ बनाओ, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपको टालते हुए। मैं टाल भी गई, बात किया है कि सिचुएशन ही नहीं बन पा रही। अब देखते हैं कल के ब्लॉग में देखना होम टूर आता है या नहीं आता है, कोशिश करेंगे आ जाए। अब देखते हैं ना, बनेगा तो आ ही जाएगा। ये देख चोर को देखना, चोरी कर रही है, चोरी छुपके छुपके। तो दोस्तों फाइनली आ गए मेरे बड़ा जी और जेठ जी, चलो 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 मिलने चलो। लकी छुपी लकी, मैं छुप गया हूं। चलो नहीं हूं पड़ी जा मारे पड़ी। ये बात हो रही है बच्चे खिलाने के, वो खुद खेल रहे दोनों। बच्चे खिलाने की उम्र में दोनों खेल रहे हैं मजे से, ऐसा था। बच्चे खिलाने के उम्र में दोनों भाई खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो दोस्तों हमने पक्का ही ठान लिया कि हम लोग होम टूर करवा ही रहे हैं, और उसके लिए काजू भी तैयारी कर रही हैं। यहाँ देखो काजू की भी तैयारी, काजू ये वाली साड़ी पहनी है ना काजू, ग्रीन वाली, और सासू माँ की भी तैयारी चल रही है कि मैं भी साड़ी बदल लेती हूँ। देखो ये देखो, सासू माँ ने भी तैयारी कर दी अपनी साड़ी पहनने की। दिन के बज चुके हैं 3 बजने वाले हैं, और ये आ गए हैं घूम के, और भैया नहीं आया अभी तक। वैसे के लिए दिल्ली तो खाना खा लेना चाहे उल्टा नाम रहता है। तो दोस्तों फाइनली खाना लगने की तैयारी हो गई है, और वहाँ पे हीटर भी लगा दिया ताकि किसी का, और भैया खुद पर इन चमको ना सितारा उलझन उल। तो बस अब खाने के जाऊँ, टॉर्च जाऊँ उल का देख दे जैसे टॉर्च जलती होगी। काजू ने सलाद कर दिया है तैयार, और अब खाने की तैयारी में हम लोग, सबका खाना आवा। चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपको दोस्तों। तो फाइनली अब दिन के बज चुके हैं 2 बज रहे यार, और खाना खुना रख दिया, और पता नहीं फोन बात कर रही है, और सारा परिवार बैठ गया खाने। तो दोस्तों फाइनली खाना खुना खा लिया, सब डंड हो गए, और ये और जेठ जी चले गए हैं जेठ जी के हेयर कट करवाने, और फिर हम लोग कर रहे हैं होम टूर की तैयारी। तो वो व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, कल के व्लॉग को देखने जरूर आएगा, आपका मनपसंद व्लॉग आ रहा है कल। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को खूब पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, आज के लिए यहीं पर आज्ञा दीजिए, कल जरूर आना। आज के लिए टाटा। Oh, oh, oh.